हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 सितंबर को, उसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और कंटिन्यूसली जब तक पेपर नहीं होंगे तो इसके प्रैक्टिस सेट अभ्यास हम लोग करते रहेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कानून द्वारा, धर्म द्वारा और समाज के द्वारा। अगला हमारा है कि समाजशास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी पेरेटो। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा डी, वर्ग समन्वय का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत शामिल हैं, जबकि ये नहीं शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का आशय है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फोर का ए, महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना। अगला हमारा क्वेश्चन है फाइव नंबर, जाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। फाइव का ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी, एक और चार, खान पान का प्रतिबंध और संस्तरण। अगला, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है। सिक्स का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दो प्रतिमानों में किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई। सेवन का ऑप्शन नंबर बी सही है, फरवरी 2003 में। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। आठवें का ऑप्शन नंबर सी, 17.7%। पति के द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं। नाइन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, निर्वाहिका। अगला है, लेविरेट विवाह क्या है। ऑप्शन नंबर टेन का सही होगा ए, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह लेविरेट विवाह कहलाता है। अगला है हमारा ग्यारहवां क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। 11 का ऑप्शन नंबर सी, जिहर। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम क्या है। 12 का ऑप्शन नंबर सी, अगम्यागमन वर्जन। अगला है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह कहलाता है, यानी जो आजकल विवाह हो रहे हैं वो असुर विवाह ही हैं। अगला, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। ऑप्शन नंबर डी, मार्गन। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। 15 का ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण। अगला है 16 नंबर, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में। अगला है 17, भारत के किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया। 17 का ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। अगला है हमारा प्रश्न 18वां क्वेश्चन, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। 18 का ऑप्शन नंबर ए, अध्यापन का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला है हमारा 19, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 1952 में। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 20 का ऑप्शन नंबर बी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, यह विचार है, यह विचार किसका है। ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी नारीवाद का। अगला है हमारा 22, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। 22 का ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक भ्रष्टाचार, इसी वजह से तो होते हैं पैसों के लिए, आर्थिक दृष्टि से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? 23 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी सही हैं, मातृत्व असमानता, स्वामित्व असमानता और प्रसूति का असमानता। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? 24 का ऑप्शन नंबर बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को आर्थिक महत्व, ये सभी इसी के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी। अगला है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी है? 25 का ऑप्शन नंबर डी, गेल्स ने दी है। अगला है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है 26 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? 27 का ऑप्शन नंबर सी, उद्विकासवादी। अगला है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसके संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? इसका आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, MSMN श्रीनिवास। अगला है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था? 29 का ऑप्शन नंबर सी, EB टायलर ने किया था। अगला है 30 नंबर, डिफ्थीरिया के परिणाम क्या होते हैं? तो इसमें बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय व गुर्दों को भी प्रभावित करता है, टॉक्सिन तथा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाना, इसमें सभी सही है, उपरोक्त सभी 30 का। अगला हमारा क्वेश्चन है, खाएं खांसी की उद्भव अवधि 10 दिन की होती है, वह इस कारण होती है? 31 का ऑप्शन नंबर ए, बेडेटेला पर्टुसिस की वजह से होती है। अगला हमारा है, संस्कृति हमारे सोचने और रहने के ढंग से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकाइवर और पेज का। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? थर्टी थ्री का ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर ने। अगला हमारा है, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 34 का ऑप्शन नंबर ए, 1929 में, इम्पॉर्टेंट है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है? 35 का ऑप्शन नंबर सुमेल विवाह। अगला 36, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है? 36 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, एक डैश में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़े जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी ए सही होगा, विस्तृत परिवार। अगला हमारा क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? 38 का ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सही होगा, 38 का ऑप्शन नंबर फाइलेरियसिस वॉर्म्स। 39, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? इसका 39 का ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के द्वारा होता है। अगला है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? 40 का ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगला, एक्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? ये ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी, कुनैन से प्राप्त की जाती है। 42, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप्स डिलीवरी में किसका खतरा अधिक होता है? 42 का ऑप्शन नंबर ए, चेहरे की सूक्ष्म चोटें। 43, इसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है? 43 का लाइटनिंग। अगला हमारा है 44, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस परिस्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। 44 का ऑप्शन नंबर अपरिहार्य गर्भपात। अगला है 45, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियम ओस का प्रभाव है? 45 का ऑप्शन नंबर डी,
इसमें क्या होता है, गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ाओ, मॉल प्रेजेंटेशन, प्रसव के बाद रक्त स्राव, ये सभी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है 46, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोर निसेस में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है, तो इसमें ओसिएंडर लक्षण बताता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 47, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है। 47 का ऑप्शन नंबर सी, या भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर, पीत ज्वर का टीका 17D टीका कहलाता है। 49 क्वेश्चन नंबर, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, इसे दिए था फ्राइडो ने। अगला हमारा क्वेश्चन है 50वां, बच्चों के सन्निकटन दूरस्थ विकास का क्रम क्या है। 50 का ऑप्शन नंबर केंद्र से परिधि की ओर। 51, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है, 13 से 17 वर्ष। अगला है, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। 52 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था, शिशुपालन और समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। 53 का ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न साधनों एवं संस्थानों से। 54, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है, तो उसमें सूंघने की, 54 का डी। अगला है, शिशुओं की ग्रॉपसिंग, रूटिंग एवं सकिंग को क्या कहते हैं। 55 का ऑप्शन नंबर डी, अडेप्टिव रिफ्लैक्स। अगला हमारा क्वेश्चन है 56, मस्तकाधोमुखी विकास का क्या अर्थ है। 56 का ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। अगला है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। 57 का ऑप्शन नंबर सी, हिस्टिडीन। अगला हमारा क्वेश्चन है 58, जब दूध में या डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। 58 का ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक एसिड। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरल शुद्ध आहार नहीं है। 59 का डी, चाय, जबकि दाल, फलों का रस, पानी, नींबू पानी, ये सब हैं। 60, फलों एवं सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है, किसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, गोभी और संतरे में मिलता है विटामिन सी सबसे अधिक, फलों एवं सब्जियों में सर्वाधिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनाज तथा दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। 61 का ऑप्शन नंबर सी, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना। अगला हमारा है, प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है क्योंकि इसमें सल्फर यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 62 का। अगला हमारा, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। 63 का ऑप्शन नंबर बी, नींबू का रस। 63 का अगला है, निम्न में से कौन सी पैकिंग अपूतित पैकिंग का उदाहरण है। 64 का ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक की थैली। अगला हमारा क्वेश्चन है 65, जैम या जेली के परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रखा जाता है। 65 का ऑप्शन नंबर ए, 65%। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान क्या है। बी ऑप्शन, 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 सेकेंड तक। अगला देखें 67, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है क्रेटिनिज्म। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो क्या बनता है, इमल्सन बनता है। जब दो अमिश्रणीय द्रव, इमल्सन बनता है। अगला 69, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है 6 वर्ष में। अगला, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर धीरे धीरे बोलना, ये भाषा संबंधी दोष नहीं है। अगला है, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 250। अगला, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, असत्य, जन्म के समय कैसे शुरू हो सकता है। अगला, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली नकद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है। 73 का ऑप्शन नंबर बी, औषधि की पूर्ति।
अगला, बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? 74 का ऑप्शन नंबर ए, आंगनवाड़ी। कहाँ होता है? आंगनवाड़ी में। 75, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है? 75 का ऑप्शन नंबर बी से, ये 2.5 से 3 वर्ष। अगला है 76, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है? 76 का ऑप्शन नंबर ए, दो अंगों मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। 77, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के? 77 का ऑप्शन नंबर क्या है? डी, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास से। अगला हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर, WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए? 78 का ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 6 माह तक। अगला, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है? 79 का ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोग्राम से कम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा के द्वारा होती है। गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? 81 का ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणावस्था। मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? 82 का ऑप्शन नंबर सी, 280 दिन। अगला है, अंडाणु परिपक्व होता है? 83 का ऑप्शन नंबर सी, 28 दिनों में। 84 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकती है? 84, इरेडिएशन। अगला हमारा है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह, 85 का ऑप्शन नंबर, उसकी लंबाई तथा वजन का सही अनुपात। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जूल। अगला है 87, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है? प्रतिजैविक निर्माण, ऊतक अखंडन, फैगोसाइटिक क्रिया, ये सभी पर डालता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 86, भोजन के गैर पोषकीय घटक हैं? 88 का ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, जलवीय, रेशेज और वर्ण यौगिक भी है। अगला, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतया अपर्याप्त है? 89 का ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट द्रव भोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है 90, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? इसमें से कौन सा पोषक है? क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्या होता है? वाटर। अगला, मैग्नीशियम हड्डी बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेप्टोसिन का घटक है? 92 का ए, विटामिन ए। अगला 93, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है? लेसेथीन। क्या है? लेसेथीन। शरीर के ग्लूकोज में संग्रहित अवस्था क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में या हमारे लीवर में संग्रहित होती है। अगला है 95 क्वेश्चन नंबर, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 16% होती है। परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना या लेना या परामर्श लेना? 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रार्थी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करना। 97 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, परामर्श में परामर्शकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, उदासी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 99 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रों के मध्य मातृत्व भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसे दिया गया था 1965 में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की प्रतिशतता कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 82। फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट 1। कल एक अगला प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।